दिल किया शेयर करने का कि मैं एक पैसेज पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। कोशिश करिएगा समझने का। शिक्षा आज आधुनिक के अजब दौरे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तिरना का है। बाजार की मृग तिरना शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ते रहने को विवश करने की उतारू खड़ी है। ठीक है, बाजार क्या है? वो एक अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पे लोग देख करके अपने आप को क्या करते हैं, उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। बाजार के इन ललचाने वाले रास्ते पर आकर्षण है, चकाचौंध है, सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधन है। दूसरी तरफ क्या है? शिक्षा का साधन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में कपड़े ही बिकते हैं, किताबें भी बिकती हैं। जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग शेषकर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेसकर है। इस दोहरे पर खड़ा भी शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। मीन्स आपके पास अगर किताब है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताब के अलावा कुछ चीज़ें हैं, तो आप किताब को छोड़कर आप क्या करते हैं? उनकी तरफ भागते हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता। बाजार आप जाइएगा तो आपको कैसे वक्त बीतता है, कैसे आप किसकी ओर भागे चले जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता। और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस यह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात है ये पॉइंट। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है। लोग ये नहीं जान पाते कि जो हम खरीद रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो मतलब जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। बस यही लगता है कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन अगर सुख का भ्रम क्या है, क्या आप ऐसा करते तो आपको क्या खुशी फील होता है? ज़रूरत विचार करने की है। सवाल यह है कि बाज़ार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। आपको सोचना है कि बाज़ार आपके लिए कितना सूटेबल है और कितना नहीं है। आप अपनी छुट्टियों को, अपने पल को किस तरह से कहाँ गुजारते हैं और आपको उससे कितना बेनिफिट होता है, कितना नुकसान होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस लेवल पे, जिस उम्र में हम लोग आकर खड़े हैं, वो एक मैच्योरिटी लेवल है। तो ये पैसेज बहुत ही अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था और मैंने सिर्फ एक नॉर्मली पैसेज पढ़ाया ताकि जो लोग समझदार हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये पैसेज क्या कहना चाह रहे हैं। ये वर्ड्स मेरे अपने नहीं हैं, ये वर्ड्स इस बुक्स में लिखी हुई है। ये एक्चुअली मैं बुक्स पढ़ रही थी तो उसमें पैसेज था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची कि क्यों ना ये एक मोटिवेटेड इसे शेयर कर दूँ। तो चलिए, इसी तरह से अगर मुझे कोई पैसेज और अच्छा लगा तो मैं आगे भी शेयर करूँगी। एंड आई होप कि हम लोग इस पर फोकस करें, ध्यान दें और आप अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ, एंड मिलते हैं बाद में। बाय।